Hello, my dear bloggies, how are you? मैंने आपको बोला था कि मैं आऊँगी उस वीडियो के बाद. जो लास्ट मैंने शायद ब्लॉग डाला था या रेसिपी वीडियो डाला था जहाँ तक मुझे याद है, तो उसके बाद मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरी तबीयत उससे पहले से ही ख़राब चल रही थी और फिर ज़्यादा ख़राब हो गई. कभी सिर में थ्रॉबिंग दर्द, हेडेक, थ्रॉबिंग हेडेक, कभी कुछ कभी कुछ. तो फाइनली मैंने एक वीडियो, एक रील डाली है जिसमें मैं डांस कर रही हूँ. उस दिन भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस फॉर थोड़ा सा चेंज के लिए मैं बाहर निकल गई थी. पेट जो है मेरा अपसेट था, अपसेट आई मीन के उसमें पेन था और बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी थी नहीं. बट क्योंकि वो पहले से था और मेरी एक फ्रेंड ने बोला हुआ था, तो मैं हालांकि उनको बोलती तो वो इस पर कोई ये नहीं करती कि, और मैं बोल देती कि मुझे नहीं जाना, लेकिन मैंने खुद ही सोचा कि चलो कि चलते ही हैं. और फिर मैंने एक वो टेबलेट ली, मेडिसिन ली और फिर मैं चली गई. उस दिन मेरा ठीक रहा, लेकिन रात को फिर एक दिन उससे पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी और फिर उसके बाद भी फिर बाकी नेक्स्ट डे बहुत ख़राब रही, बहुत ज़्यादा ख़राब रही. इधर चेस्ट के जस्ट राइट बिलो मुझे काफ़ी बर्निंग सेंसेशन, जलन और दर्द रहा और दर्द शिफ्ट कर रहा था. और ये पहले भी रह चुका है 2-3 बार इन्फेक्शन, और डायरिया भी था अभी थर्सडे को. तो ये 2-3 बार यहाँ लखनऊ में मुझे पहले भी 2-2 महीने इन्फेक्शन रहा है. हो सकता है कुछ लीवर की हो या कुछ हो. उस समय मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था और ठीक हो जाता था, लेकिन 2-2 महीने भूख बिल्कुल नहीं लगती. भूख मतलब ना खाओ तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे रहते रहो कोई फ़र्क नहीं है. और नौजिया, अब वो भी टाइम था 2 बार जब पहले हुआ, 2 या 3 बार, तो 2-1.5 महीने टिका इन्फेक्शन. और बहुत ये रहा कि चलना फिरना सब था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वीकनेस ऑब्वियसली आ जाती है जब आप खाने का मन ही नहीं कर रहा और आप थोड़ा सा ही खा रहे हो, बस खाने के लिए खा रहे हो, तो वो था. और अब पिछले कुछ दिनों से चल ही रहा है और थर्सडे को अपने चरम पे पहुंच गया था. तो उसके बाद भी ख़राब ही है. और दिक्कत ये है कि मेरे डॉक्टर अवेलेबल नहीं हैं. मैं थोड़ा जल्दी ही जा रही थी 1 वीक पहले, जहाँ से मैं हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट लेती हूँ जिन डॉक्टर से, लेकिन कुछ ब्लड टेस्ट कराए मैंने, जिसमें उन्होंने मुझे बोला, बुक करे थे मैंने मेडीबडी से, तो उन्होंने, मैंने थायराइड के किए थे, करवाए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि एक दो और करवाइए जब आपकी हालत इतनी ख़राब हो रही है. तो क्योंकि मैं उठने के ही कंडीशन में नहीं थी, तो एक दो टेस्ट और कराए, तो उनकी रिपोर्ट्स तो ऑलमोस्ट ठीक हैं, और लेकिन कुछ प्लेटलेट्स कम है तो वो कोई ज़्यादा इतनी कम नहीं है, थोड़ी सी कुछ हज़ार कम है. तो वो तो कुछ एक आध फ्रूट खा के उसकी वो हो जाएगी, कंपनसेट हो जाएगा और हो जाएगा. लेकिन ये पेट का मसला बना हुआ है मेरे साथ. तो डॉक्टर तो अब मेरे अभी तकरीबन 3-4 दिन बाद मिलेंगे, जब मेरी वैसे अपॉइंटमेंट भी उसी दिन थी. लेकिन ये तबीयत बिगड़ने की वजह से मैंने उनको कोशिश की कि मैं जल्दी जाऊं, अपने टेस्ट वेस्ट लेके, रिपोर्ट्स लेके उनको दिखाऊं और बताएं. मैं चाह रही हूं कि अल्ट्रासाउंड कराऊं. अलबत्ता मैंने आज एक और डॉक्टर से संपर्क किया है, तो उन्होंने ये बोला कि अभी आप, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हैं मुझे और ये बोला है कि आप अल्ट्रासाउंड वही लिखेंगे, आपके जो रेगुलर डॉक्टर हैं इनके लिए जो दवाइयाँ खाएंगी, इनको, इनसे आपको आराम मिलता रहेगा. मेरा जो 2-3 से थोड़ा सा हिसाब ठीक चल रहा है पेट का, और ये उसका बीच बीच में उठता है, दर्द भी होता है, और लेकिन वो वाला हल नहीं है जो थर्सडे को हुआ था. तो वो इसलिए कि मैं बहुत परहेज से, एकदम ही परहेज से खाना खा रही हूँ. मिर्च बिल्कुल बंद किया हुआ है मैंने, बहुत हल्का खाना खा रही हूँ. 3-4 दिन तो खिचड़ी पे ही रही मैं. अभी थोड़ा थोड़ा फ्रूट भी सब नहीं खा सकती हूँ. तो एक तो मुझे ये लग रहा है डाउट कि शायद स्टोन हो, मुझे नहीं पता, ये सब मैं अभी ऐसे अंदाज लगा रही हूँ. जब और कुछ नहीं है 3 रिपोर्ट्स में आके, तो मुझे लग रहा है स्टोन हो सकता है या फिर अल्सर हो सकता है इनमें से कोई, या हो सकता है दोनों ही ना हो, तीसरी कोई बीमारी हो, या हो सकता है कुछ भी ना हो, कुछ छोटा मोटा हो. लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ काफ़ी ड्यूरेशन तक रह चुकी है. पहले भी 2 बार इन्फेक्शन, आई एम प्रोन टू इन्फेक्शन, टमी इन्फेक्शंस,
लेकिन बहुत हल्के फुल्के होते थे जो ठीक हो जाते थे, लेकिन अभी जो यहाँ पे लखनऊ में आके हुए हैं वो बहुत लंबे चले हैं। तो अब देखते हैं कि इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो अब फिर से रिज्यूम करूँगी, कोशिश करूँगी आज से ही कर दूँ रिज्यूम और पोस्ट करने शुरू कर दूँ। आपको बोला था अपलोड, लेकिन तबीयत तो तबीयत है, तबीयत का कुछ पता नहीं होता कब बिगड़ जाए। तो अभी थोड़ी संभली हुई है, बस वही है कि मुझे जब तक मैं अपने जो मेरे डॉक्टर हैं उनसे नहीं मिल लेती हूँ तब तक तो मैं बिल्कुल ही परहेज से, बिल्कुल बिल्कुल परहेज से ही रहूँगी, क्योंकि मैं खुद ही परेशान हो गई हूँ कुछ दिन से, 20-25 दिन से। और फिर जब आप खाते नहीं है तो वीकनेस भी आती है। आप दाल रोटी खाएंगे तो ठीक है, दाल रोटी अपने आप में कोई बुरा खाना नहीं है, लेकिन वो भी ज़्यादा खाया नहीं जाता कितना ही आप खा पाएंगे ना। और फ्रूट्स में बहुत ही सिलेक्ट फ्रूट्स खाने हैं, अगर स्टोन है तो उसको लेके भी चल रही हूँ कि खट्टा खट्टी चीज़ें नहीं खानी, फ्रूट्स खट्टे नहीं खाने, सिट्रिक फ्रूट्स नहीं खाने, काइंड ऑफ थिंग्स मेरे साथ चल रही हैं। क्योंकि अगर ये फिर से दर्द उठा और ये सब डायरिया और ये सब फिर से हो गई कहानी तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर, तो डॉक्टर जो बताएंगे फिर उस पर चलेंगे। मे बी कुछ ना हो, मे बी थोड़ा बहुत कुछ हो तो पता लग जाए, क्या है वो डॉक्टर ही बताएंगे। मैं अपने आप से ऐसा कुछ बना के नहीं चल रही कि हाँ मेरे को ये बीमारी है या कुछ है कुछ है। बस हाँ मुझे लगता है कि खाने से कुछ चीज़ों से मुझे दिक्कत हो रही है, जैसे घर के खाने से। हाँ मैं आपको ये बताना चाह रही थी, घर के खाने से मुझे लगभग 20-25 दिन से ज़्यादा से मुझे एकदम हेट सी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता और खाना खाते पेट भर जाता, लगता हटाओ उसको। भूख थोड़ी जब लग रही थी तो तब भी यही हो रहा था कि खाना नहीं खाया जा रहा था। बाहर का तो खैर खाना बहुत कम होता है, लेकिन घर का भी ये होता था कि हटाओ उसको, अच्छा जैसे घर का खाना बना होता है ठीक ठाक, उससे मन नहीं करता था। तो ये है। और जब 4-5 दिन, नेक्स्ट वीक मैं आपको बताऊंगी जब टेस्ट वेस्ट हो जाएंगे क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं है, कुछ है या नहीं है, कुछ है तो क्या है, कुछ मेजर है कुछ माइनर है जो दवाइयों से ठीक हो जाएगा या क्या है। आई विल कीप यू पोस्टेड एंड अपडेटेड। और इस वजह से मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर ठीक है तो भी है कि एक बार देखिए, फिर भी ये इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन, किसका क्या अंदर कैसे है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन सबका अलग होता है। स्टिल थोड़ा सा सब लोग अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें। अभी तो ये है कि जो मेरे चल रहा था जो जलन और चेस्ट के नीचे और दर्द शिफ्टिंग जो एक था वो अभी थोड़ा सा कंट्रोल में है, तो अभी तो काम चल रहा है तो मैं काम भी करूँगी ही। देखिए तबीयत ठीक होती है तो अच्छा ही लगता है, अपने आप से काम करने का मन होता है। चलिए फिर मेरा आपके सामने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग कुछ आएगा।